इसके बाद इंटरवल सीन तो आइकॉनिक हिस्टोरिक ज्वालामुखी है मेरे दोस्त। ऐसा पागलपन आपने आज से पहले इंडियन सिनेमा के अंदर कभी नहीं देखा होगा, चैलेंज करती हूँ मैं। कुछ सीन्स होते हैं जो पब्लिक को चौंका देते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। मोटी दीदी ने बोला सही बोला होगा यार, इतना बड़ा चैनल है कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा। मूवी डेफिनेटली अच्छी होगी। सीट बेल्ट भी लगा ही लेता हूँ। पापा के पर्स से जो 500 रुपए तड़काए थे आज उसे वसूल करने का टाइम आ गया है, थैंक्स टू फिल्म इंडियन। तैयार नहीं है। इसके बाद इंटरवल सीन तो आइकॉनिक हिस्टोरिक ज्वालामुखी है मेरे दोस्त। ऐसा पागलपन। देखो ये वीडियो बस एक एंटरटेनमेंट के लिए, मुझे मोटी आई मीन फिल्म इंडियन से कोई भी हेट नहीं है, आई जस्ट लव हर। खाली टाइम पे इंटरटेन होने के लिए सभी कुछ ना कुछ करते हैं, और मैं भी खाली टाइम पे इंटरटेन होने के लिए फिल्मी इंडियन की वीडियोस के थंबनेल देखता हूँ। KGF पठान एनिमल छोटे बच्चे हैं, प्रभास को सॉरी बोलो, धरती फट जाएगी। धरती फट जाएगी? अरे दीदी ये एटम बम है या फिर न्यूक्लियर बम है, और धरती का तो पता नहीं। अगर आपने ऐसा थंबनेल बनाना नहीं छोड़ा तो इंडस्ट्री वालों की जरूर फट जाएगी। दीदी कई बार सलमान खान की मूवीज देखने के बाद बोलती कि इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें तो कुछ भी हो रहा है। लॉजिक? अब मुझे तुम लोग कमेंट करके बताओ कि इस थंबनेल में क्या लॉजिक है। बॉलीवुड कोमा में चला जाएगा। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, एक पेशेंट है वो कोमा में चला गया है। उमर? उमर तो नहीं पता लेकिन मुझे उसका नाम पता है, उसका नाम है बॉलीवुड। देखो टू बी ऑनेस्ट, पहले मैं दीदी के काफी सारे रिव्यूज देखता था, उनके रिव्यूज देखने के बाद ही मैं मूवी को देखने जाता था, लेकिन मुझे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि दीदी तो लेडी केयर के। केयर के और दीदी में बता किस चीज का डिफरेंस है? जेंडर का। एनीवेज ये मेरे कुछ थॉट्स थे जो मैं रखना चाहता था, बट अदर देन फिल्मी इंडियन एक इंडिपेंडेंट वुमेन है जो काफी लड़के को मोटिवेट करते, इंस्पायर करते कि आप भी घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो। तो उसके लिए तो मैं उनका मतलब काफी अच्छा मतलब एक फैन हूं, उनको फॉलो भी करता हूं कि वो काफी ज्यादा मतलब लड़के को भी मोटिवेट करती, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। आजकल क्या छपरीपने करते हैं लड़कियां, हम सभी को पता है, बट इस टाइम पे वो मतलब पैसे कमा रही, अपनी जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल कर रही, उससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। एनीवेज तो वीडियो काफी ज्यादा छोटी थी आई नो, लेकिन मेरे कुछ थॉट्स थे जो मैं बताना चाहता था, और इसमें कोई मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि ये कर दिया वो कर दिया। देखो सब करते हैं, सबको मतलब अपना अपना देखना होता है। एनीवेज तो आपको अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।